करते हैं स्टार्ट मेन्यू कोरल ड्रा के अंदर। वेलकम एड्रेस को हम क्लोज कर देते हैं, फाइल के अंदर चलते हैं और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने फाइल एक न्यू पेज आ जाता है। पेपर की साइज हम चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन इसका हम चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट के आधार पर इसे हम तैयार कर सकते हैं और इसकी पेज की साइज हम अलग अलग हिस्सों में बदल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ये हमने रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हमारे सामने हेयर लाइन जो है इसे हम बढ़ा देते हैं। 4.0 हमने कर दिया इसे, और इसकी कोने हैं इन्हें भी हम बड़ा मार देते हैं। इसे हम कलर से फिल करना चाहें तो हम इंट्रेक्टिव कलर फिल यहाँ पर करेंगे, जैसे कि यह दो कलर से फिलअप में दिखाई दे। डबल क्लिक माउस का करते ही हमारे सामने इस तरह का लोगो तैयार हो जाता है। दोस्तों हम शिफ्ट के साथ में इसे माउस को ट्रैक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह का मोनो हमारे सामने दिखाई देता है। इसकी बॉर्डर मैंने व्हाइट कलर से फिलअप कर दिया है राइट बटन दबाकर। अब हमें एक स्टार का सिंबल लेकर आना है। इससे पहले हम इस रेक्टेंगल को ग्रुप कर देते हैं, जिससे कि यह एक जगह से दूसरी जगह पर दोनों एक साथ ही मूवमेंट किए जा सकें, और चाहें तो इसे हम लॉक भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक कर कर यहाँ पर हमारे सामने है लॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन, जिसे क्लिक करते ही यह लॉक हो जाएगा, जिसे कि हम कहीं पर भी इसे मूव करना चाहें तो मूव नहीं होता है, हमें लॉक को अनलॉक करना होता है। अब हमें यहाँ पर स्टार का सिंबल लेकर आ जाना है, स्टार शेप जिसे हम लेकर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी बार में हमें इसका सिंबल ऑप्शन मिल जाता है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्टार का सिंबल ड्रॉ कर लिया। अब इसे हम फिलअप भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर फिलअप किया दिस हेयरलाइन। इसकी अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, ये हेयरलाइन हमने इसकी बढ़ा दी। अब इसे हम अरेंज बॉक्स में जाकर अरेंज मेन्यू के अंदर हमें मिलता है यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व वाला ऑप्शन, हम इसे कर्व में चेंज कर देते हैं और टूल बॉक्स के अंदर शेप टूल की सहायता से इसे हम शेप में चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे शेप में चेंज कर दिया है। अब माउस का स्क्रॉल बटन हम थोड़ा घुमा रहे हैं, जिससे कि यह पास लाया जा सके, और यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक करने से टू कर्व वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, जिससे कि हमें इसका थोड़ा सा कर्व देना चाहें तो कर्व दे सकते हैं।
राइट बटन से मैंने इसे भी तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा लोगो दिखाई दे रहा है। कुछ लिखना चाहे टेक्स्ट तो हम टेक्स्ट के लिए क्लिक करते हैं, टेक्स्ट हम लिख देते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद पिक टूल पे सिलेक्शन लेते हैं, अब हमें यहाँ कुछ लिखना है, हम लिख सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार प्लस, माउस की सहायता से हम इसे बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, इसकी स्टाइल को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। व्हाइट कलर से हम इसे फिलअप दे देते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से इसे 3D में अप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड टूल हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यह आपका लोगो बनकर तैयार हो चुका है। कंट्रोल ए यहाँ माउस की सहायता से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कि यह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने में समस्या ना दे। जिस तरह से हमें एग्जिस्ट करना है हम कर सकते हैं। हमारा लॉक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लॉक हो रहा है, इसे हम अनलॉक करके सभी को एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम इसे JPG फॉर्मेट में सेव कर पाए। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा जो लोगो है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। लोकल डिस्क डी के अंदर हमने जिस फोल्डर में उसे सेव किया है वहां से हम इसे देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से आपका लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स